ये तुम्हें क्या हो गया कृष्णा? तुम्हें पता एक बच्चे को घर में मारना कितना बड़ा पाप होता है? और तुझे क्या लगता है वो सिर्फ तेरा बच्चा है? अरे हम सब की खुशियां जुड़ी है उस बच्चे से, और तूने हमसे बिना सलाह मशवरा किए इतना बड़ा फैसला ले लिया। कल हमें लग रहा था कि तुम परेशान, विद्या तुम्हें संभाल ली, पर अबॉर्शन का तुम गलत फैसला करके बैठे हो। बाबू अगर कोई बात है तो बताना बेटा, खुल के बता। अरे हम सब लोग मिलके हल ढूंढेंगे, बताना क्या बात है बाबू? तू होता कौन है इतना बड़ा फैसला लेने वाला? वो बच्चा हमारा है इसलिए फैसला भी हमारा, और ये फैसला सरासर गलत है कृष्णा। जो भी होगा हमने डिसाइड कर लिया है, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। पहलवान की बिंदी का भी तो बच्चा है ना ये, कि तुम अकेले फैसला किसी ले सकते क्रिश? क्या तुम्हें उसकी मर्जी? एक मिनट पाए बढ़ के गया क्या? सर क्या तुमसे किसी ने कुछ पूछा, कोई राय ली, डिसीजन पाया? तो बीच में टांग आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लिसन, अगर हमारे बीच में टांग ना ही अराओ तो ही अच्छा होगा। किसना ए किसना, अरे बच्चे है ना बच्चे, भगवान का रूप होते हैं, और तूने तो भगवान को ही अपने घर में आने से रोक दिया। अरे थोड़ी भी अक्कल बाकी होगी ना तो अपना फैसला बदल दे। हमने कहा ना अम्मा, कोई फैसला नहीं बदलेगा। इतनी परेशानी तो खुद को उस बच्चे से दूर रखना, लेकिन कृष्णा तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचा उस बच्चे को उसकी मां और उसके परिवार वालों से दूर रखने, समझ गए? बिल्कुल सही कह रहे हैं बल्लू। वाह, हमें हक नहीं मिलता हमें, अरे सबसे ज्यादा हक हमारा ही है उस बच्चे पर, क्योंकि हम उस बच्चे के पिता हैं। इसीलिए जो हमारा मन होगा वही होगा। अब आप लोग हमारी बात सुनिए, हम और बिंदिया कल ही जाकर के इस बच्चे को अबॉर्ट कर रहे हैं। क्या बोला? फिर से बोल बोला। अंग्रेजी करता है बोलना, बोलता है ये अंग्रेजी करता है ना, अबॉर्ट कर देगा अबॉर्ट। अरे बचपन से कभी एक पत्थर नहीं मारे तुमको, तेरी सारी गलती को माफ कर देते, सब माफ कर देते, लेकिन आज ना तू गलती नहीं बहुत बड़ा पाप कर रहा है, बहुत बड़ा पाप कर रहा है, बहुत बड़ा। कैसे माफ कर दे बता ना, कैसे माफ कर दे? ऐसा लग रहा ना कि तेरे पापा सही कहते थे, हमारे लाल प्यार से तुझे बिगाड़ दिया, हमारे लाल प्यार ने बिगाड़ दिया तुझे, तभी तो आज इतनी घटिया बात कर रहा है, इतनी घटिया। लालन है हमारे लाल, लालन पालन लालन। सुन, बहुत फैसला सुनाता है ना, आज हमारा फैसला सुन, ये गर्भपात नहीं होगा, और इसके बाद एक शब्द भी बोला। क्रिश ने लिया बड़ा फैसला, बिंदिया का करवाएगा अबॉर्शन, नहीं चाहिए क्रिश को कोई बच्चा। इंदु ने उठाया क्रिश पर हाथ, घर वालों का टूटा दिल। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी शो सुहागन की, जिसका आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटेंस है, और शो के ऑन लोकेशन से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए एक और नई अपडेट, जहाँ शो के अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से सभी घर वालों के सामने ये सच आएगा कि बिंदिया क्रिश के बच्चे
की मां बनने वाली है। ऐसे में जहां सभी घर वाले बेहद खुश होंगे तो वहीं क्रिश ये फैसला लेता है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए और इस वजह से क्रिश कहीं ना कहीं बिंदिया का अबॉर्शन भी करवाना चाहता है। हालांकि इसके लिए बिंदिया तैयार नहीं है और ना ही घर का कोई भी सदस्य तैयार है। यहाँ पर सभी घर वाले मिलकर क्रिश को समझाने की कोशिश करते हैं और बतलाते हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होता है, लेकिन इन सब के बावजूद क्रिश किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है और क्रिश का कहना है कि क्रिश ही बच्चे का पिता है और वो जो चाहेगा वही होगा। क्रिश और बिंदिया कल ही हॉस्पिटल जाकर बच्चे को अबॉर्ट करवाएंगे। वहीं ये सब सुनने के बाद इंदु क्रिश पर हाथ भी उठाते हुए नजर आती है और क्रिश के पिता भी क्रिश को एक से बढ़कर एक धमकी देते हैं। अब देखना होगा काफी दिलचस्प कि क्या वाकई ही क्रिश बदल लेगा अपना फैसला या फिर बिंदिया खो देगी अपना बच्चा। हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताएं क्या कुछ लगता है आपको और साथ ही टेलीविजन से जुड़े ऐसे और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।